हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो, डिफेक्ट मींस खराबी या फिर गड़बड़ी। मींस अगर किसी चीज में कुछ ना कुछ खराबी हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज डिफेक्टेड है। मींस उस चीज में डिफेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपने मार्केट से एक बढ़िया सी नई शर्ट खरीदी और उस शर्ट को जब आप लोगों ने घर में जाके अच्छे से चेक किया तो आप लोगों को मिला कि शर्ट के कुछ बटन्स गायब हैं या फिर बटन टूटे हुए या फिर शर्ट कहीं से फटी हुई है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये शर्ट डिफेक्टेड है। मींस इस शर्ट में डिफेक्ट है। ठीक है, फिर वैसे ही मान लो आप लोगों ने मार्केट से एक व्हाइट कलर की शर्ट खरीदी, फिर आप लोगों ने जब उसको चेक किया तो आप लोगों को मिला कि उस शर्ट में कहीं धब्बे लगे हुए हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो शर्ट भी डिफेक्टेड। आई बात समझ में? पर डिफेक्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी। ठीक है, फिर हम एक और एग्जांपल लो कि हमारे चेहरे पे यहाँ पे नाक होती है, सभी को पता है ना, लेकिन अगर नाक यहाँ ना होकर यहाँ हो तो इसका मतलब डिफेक्ट है। ओके, फिर गालों पर अगर कान लग जाए, मीन्स गालों पर कान हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो डिफेक्ट मतलब होता है खराबी या फिर गड़बड़ी। ओके, तो अब हम समझेंगे कि सॉलिड में डिफेक्ट क्या होते हैं और सॉलिड में डिफेक्ट किस तरीके के होते हैं। ओके, चलिए, तो देखो, डिफेक्ट इन सॉलिड्स मींस इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट इन सॉलिड को इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब हम डिफाइन करते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। तो देखो, एनी काइंड ऑफ डेविएशन और एबनॉर्मैलिटीज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सॉलिड इज नोन एज डिफेक्ट। ओके, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है डिफेक्ट की, कि सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में किसी भी टाइप की डेविएशन या फिर एबनॉर्मैलिटीज प्रेजेंट हो तो उसे डिफेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर डेविएशन और एबनॉर्मैलिटी से मतलब क्या है, है ना, मींस सॉलिड में हम डेविएशन और एबनॉर्मैलिटीज कब बोलेंगे उसको समझते हैं। तो देखो, हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, और थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। ये हमने पढ़ा था, याद होगा सभी को, है ना, और क्रिस्टल लैटिस में क्या होते हैं, यूनिट सेल्स होते हैं जिनमें एटम्स की पर्टिकुलर लोकेशन होती है। ओके, फॉर एग्जांपल, एक सॉलिड है जिसके क्रिस्टल का यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में पाए जाने वाले वेरियस यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे और क्यूब के
सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होंगे। ओके तो हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि जो क्रिस्टल है वो हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है और उस क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट सेल है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स मीन्स एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं अपन, बढ़िया सा। इस तरीके से है ना, फिर इस क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम रखते हैं अपन, ये देखो, और बॉडी सेंटर सेल में कॉर्नर्स के साथ साथ पूरे क्यूब के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है, तो ये क्यूब के सेंटर एटम, दैट इज दैट मींस बॉडी सेंटर एटम। ओके यहां तक क्लियर सभी को? तो देखो एक सॉलिड है जिसके क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल्स बीसीसी हैं, इट मींस उसके यूनिट सेल्स के कॉर्नर्स पे एटम होने चाहिए और बॉडी के मींस क्यूब के सेंटर में एटम प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के खूब सारे यूनिट सेल्स हैं इसके आसपास। ठीक है, इसके चारों ओर बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं और सारे के सारे यूनिट सेल्स में कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है और बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये केस कहलाएगा आइडियल केस, मींस वो जो क्रिस्टल है या फिर सॉलिड है वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉलिड कहलाएगा। तो आइडियल सॉलिड में पार्टिकल्स की लोकेशन फिक्स होती है, मींस पार्टिकल्स जिस पोजीशन पे होना चाहिए उन्हीं पोजीशन पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन में सॉलिड कहलाएंगे आइडियल सॉलिड। ओके, तो अभी फिलहाल ये कैसा केस है, आइडियल सॉलिड का केस। ओके, फिर हम सपोज करते हैं कि कुछ यूनिट सेल्स के कुछ कॉर्नर एटम गायब है, है ना, लेट्स सपोज ये कॉर्नर एटम यहां से गायब है। ठीक है, तो उसी तरीके से और भी यूनिट सेल्स हैं जिनमें कॉर्नर के एटम्स गायब है, एक आध दो कॉर्नर के एटम्स गायब है, तो इसका मतलब इसमें डिफेक्ट है। ठीक है, फिर अगर मान लो कि कुछ यूनिट सेल्स में उस क्रिस्टल के कुछ यूनिट सेल्स में फेस के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट है, इस तरीके से एक फेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट है, तो इस एटम को यहां नहीं होना चाहिए था लेकिन ये यहां पर है, तो भी क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा। मीन्स जिस पार्टिकल को जहां नहीं होना चाहिए वो वहां पर है तो भी वो डिफेक्ट है, और अगर किसी पार्टिकल को कहीं पर होना चाहिए और वहां पर नहीं है, गायब है वहां से, तो भी डिफेक्ट कहलाएगा। समझ गया आपका, है ना, तो ऐसे केसेस में सॉलिड में क्या पाया जा रहा है, डेविएशन पाया जा रहा है या फिर एबनॉर्मेलिटीज पाई जा रही है, है ना। लेट्स सपोज कि ये क्रिस्टल सोडियम का क्रिस्टल है तो सारे के सारे एटम सोडियम के होने चाहिए, है ना, लेकिन मान लो किसी एक पोजीशन पे, लेट्स सपोज यहां पर पोटेशियम का एटम प्रेजेंट है जबकि होना क्या चाहिए था, सोडियम का एटम होना चाहिए था सारी जगह, लेकिन यहां पर क्या पाया गया, सोडियम पोटेशियम का एटम पाया गया, इसका मतलब ये भी डिफेक्ट है। ठीक है, तो किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी या फिर डेविएशन अगर क्रिस्टल में हो तो वो क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है ना। और ऐसे सिचुएशन में वो सॉलिड कहलाएगा नॉन आइडियल सॉलिड, नॉन आइडियल सॉलिड। समझ गया था, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आइडियल सॉलिड क्या होता है और नॉन आइडियल सॉलिड क्या होता है। तो आइडियल सॉलिड मीन्स ऐसा सॉलिड जिसमें कोई भी किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है, उनके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है और जिन पार्टिकल्स को जहां होना चाहिए वो वहां पर है और कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो सॉलिड आइडियल सॉलिड। ठीक है, और अगर किसी सॉलिड में जिन पार्टिकल्स को जहां नहीं होना चाहिए वो वहां पर है और जिनको जहां होना चाहिए वहां से गायब है, तो वो केस क्या आएगा, नॉन आइडियल केस। यहां तक क्लियर सभी को, यहां पर नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट है आइडियल सॉलिड
एग्जिस्ट एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो ये है कॉन्सेप्ट कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे सॉलिड आइडियल होते हैं, मीन्स सॉलिड में कोई डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा जीरो केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया उसको समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया है फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट जीरो केल्विन टेम्परेचर इज जीरो। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मीन्स किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जीरो होती है। ओके, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को एंट्रोपी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो एंट्रोपी मीन्स, तो एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, मीन्स किसी सब्सटेंस के पार्टिकल की रैंडमनेस और डिसऑर्डर का मेजर एंट्रोपी कहलाती है। ओके, तो हम रैंडमनेस और डिसऑर्डर को पार्टिकल के मोशन से रिलेट कर सकते हैं, मीन्स जिस सब्सटेंस के पार्टिकल जितना ज्यादा अस्त व्यस्त होंगे, जितना ज्यादा उनमें रैंडमनेस होगी, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, इट मीन्स जिस सब्सटेंस के पार्टिकल जितना ज्यादा मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे उसके पार्टिकल्स उतने ज्यादा रैंडमनेस शो कर रहे होंगे और उसके पार्टिकल्स उतने ज्यादा डिसऑर्डर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उस सब्सटेंस की एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो रैंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, रैंडमनेस कम तो एंट्रोपी कम। ओके, फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें कि किसी सब्सटेंस की गैसेस स्टेट में एंट्रोपी और उसकी सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी को अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियस ही बात है गैसेस स्टेट में पार्टिकल का रैंडमनेस ज्यादा होगा, मीन्स उसमें ज्यादा डिसऑर्डर्ड फॉर्म होगा या फिर हो सकते हो पार्टिकल मोशन ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है गैसेस स्टेट में सब्सटेंस की एंट्रोपी ज्यादा होगी और सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की पार्टिकल का रैंडमनेस बहुत कम होता है और उसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर होता है और डिसऑर्डर बहुत कम होता है, मीन्स पार्टिकल का मोशन बहुत कम होता है, इस वजह से सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी बहुत कम होती है। तो ऑब्वियस बात है सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी कम होगी और गैस स्टेट की एंट्रोपी ज्यादा। ठीक है, अब देखो सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी पहले से ही बहुत कम है क्योंकि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन पे केवल वाइब्रेट करते हैं, मीन्स वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, मीन्स उनमें डिसऑर्डर बहुत कम होता है। ठीक है, और ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी बहुत कम होती है ना। अब अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो पार्टिकल का मोशन है वो और कम होने लगेगा। ओके, अब हम टेम्परेचर को कम करते गए पार्टिकल का मोशन और कम होता गया तो उस वजह से एंट्रोपी और कम होती गई। ओके, तो थ्योरेटिकली ये देखा गया है कि परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो केल्विन टेम्परेचर पे जीरो हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा हो सकते हो कि इसको मान लिया जाता है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, मीन्स जीरो केल्विन टेम्परेचर पे पार्टिकल का मोशन खत्म हो जाएगा क्योंकि एंट्रोपी खत्म हो रही है, एंट्रोपी जीरो हो रही है। ओके, अब देखो अगर पार्टिकल का मोशन खत्म हो गया इट मीन्स पार्टिकल अपनी पोजिशन पे ही फिक्स है, इधर उधर नहीं भागेंगे। अब अगर पार्टिकल इधर उधर नहीं भागेंगे तो सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और सॉलिड क्या कहलाएगा, आइडियल सॉलिड कहलाएगा।
आएगा समझ में, तो यहां से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे सॉलिड आइडियल होता है, मीन्स सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं होता। क्लियर है सभी को? चलिए उसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन द सॉलिड। ओके चलिए, नोट कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो देखो तो अगर हम ओवरऑल कैटेगराइज करें डिफेक्ट्स को, तो ये किस तरीके से कैटेगराइज होते हैं। तो सबसे पहला टाइप पॉइंट डिफेक्ट, जिसे सिंपली एटॉमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। ओके फिर एक होता है लाइन डिफेक्ट, फिर एक है सरफेस डिफेक्ट और एक वॉल्यूम डिफेक्ट। ओके तो यहां पे ये जो लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट है, इसको आप लोग हायर क्लासेस में मीन कॉलेज लेवल में पढ़ते हो, ठीक है? तो इसको आप लोग कॉलेज लेवल में पढ़ोगे इन दिनों को, है ना? तो हमें बेसिकली क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट को ही डिस्कस करना होता है। क्लियर है सभी को? चलिए तो हम मेनली डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। ओके चलिए तो देखो पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट क्या होता है। जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से मिसिंग होते हैं, मींस गायब होते हैं, या फिर अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर किसी और पोजीशन में चले जाते हैं, तो उस टाइप की डिफेक्ट को कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट या फिर एटॉमिक डिफेक्ट। ओके मींस अगर हम सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एटम मान के चले, तो अगर एटम अपनी पोजिशन से गायब है, जहां उसको होना चाहिए वहां पर वो नहीं है, तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा? पॉइंट डिफेक्ट। वैसे अगर कोई एटम अपनी पोजीशन से शिफ्ट होकर या फिर डिस्प्लेस होकर किसी और पोजीशन में चला गया, तो वो डिफेक्ट भी क्या कहलाएगा? पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट कहलाएगा। ओके तो हम पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट डिफेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि सच डिफेक्ट इन विच एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन और लोकेशन इन द लैटिस और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन टू अदर पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट और एटॉमिक डिफेक्ट। यहां तक कह सकते हो कि ये डेफिनेशन पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट।
क्लियर है सभी को? चलिए फिर देखो, पॉइंट इफेक्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट्स में। तो एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं दो पार्ट्स में। तो एक है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है, तो अगर इसको आप सिंपल तरीके से समझना चाहो तो जैसे मैं यहां पर एक स्क्वायर बना लेता हूं, है ना, या फिर एक काम करते हैं क्यूब भी बना लेते हैं। ओके, तो ये लाइक सपोज कॉन्स्टेंट पार्टिकल की या फिर एटम की लोकेशन है एक क्यूब में, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कि अगर इस टाइप की अरेंजमेंट में अगर हम बात करें तो कैसा टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट दिख रहा है कि यहां पर इस यूनिट सेल में एटम्स या फिर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है, है ना। तो ये इनकी लोकेशन होनी चाहिए, है ना। अब मान लो कि किसी एक कॉर्नर से एक एटम गायब है, ठीक है। तो यहां से एक एटम गायब है, वहां पे एटम प्रेजेंट ही नहीं, तो ये जो है क्या कहलाएगा, डिफेक्ट कहलाएगा। स्पेसिफिकली कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट का कौन सा पार्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। मीन्स एटम के गायब होने की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या आ गई, वैकेंसी आ गई, मीन्स एम्प्टी स्पेस आ गया, खाली आ गया, है ना, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। मीन्स अगर कोई एटम अपनी पोजीशन से गायब है मिसिंग और वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो उसको बोलेंगे हम वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए आप? फिर अगर देखो, लेट सपोज ये एक अरेंजमेंट था, है ना, और इस अरेंजमेंट में ये जो बीच का स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है, तो वो एम्प्टी स्पेस हमारे लिए क्या कहलाता है, वॉइड कहलाता है। मीन्स हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड की क्लोज पैकिंग में एटम्स की क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट के बीच में पाए जाते हैं एम्प्टी की स्पेस, इनको बोला जाता है वॉइड्स। और वॉइड्स अलग अलग टाइप के पॉसिबल है, है ना। तो उन वॉइड्स में, मीन्स उन एम्प्टी स्पेस में अगर कोई एटम जाके बैठ जाए, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, तो वो स्पेस क्या कहलाती है, इंटरस्टीशियल साइट कहलाती है, फिर इंटरस्टीशियल स्पेस कहलाती है, है ना। तो फिलहाल ये जो जगह दिख रही है आप लोगों को वो खाली है, है ना। तो उस खाली स्पेस पे वो एटम आकर यहां पर बैठ गए, क्लियर। अब इस एटम को यहां पे नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर सॉलिड में, ठीक है। तो इस टाइप का डिफेक्ट क्या कहलाता है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट कहलाता है। मीन्स ऐसा डिफेक्ट जिस डिफेक्ट में किसी पर्टिकुलर वॉइड में कोई एटम जाके बैठ गया है, उस इंटरस्टीशियल साइट को, वैकेंसी बोलता हूं, जो वॉइड है या फिर इंटरस्टीशियल स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया किसी एटम ने, तो उसको बोला जाता है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। यहां तक क्लियर सभी को, है ना। तो पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी वैकेंसी डिफेक्ट क्लियर हो गया सभी को, और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, तो इन दोनों की डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो। ओके, चलिए इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। मीन्स हम स्पेसिफिकली पॉइंट डिफेक्ट आयोनिक सॉलिड्स में देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड। ओके, तो देखो आयनिक सॉलिड में मेनली
दो टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, एक होता है स्टोइकियो मैट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टोइकियो मैट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो आयरिश सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के, पहला स्टोइकियो मैट्रिक डिफेक्ट और दूसरा नॉन स्टोइकियो मैट्रिक डिफेक्ट। ओके, अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो देखो, अगर हम पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब समझे उसको देखो, तो लेट सपोज हमारे पास दो एलिमेंट ए और बी का कंपाउंड है, ए और बी का एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसकी स्टेट सॉलिड स्टेट है और ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला है AB2। ठीक है, तो फॉर्मूला का मतलब ये स्टोइकोमेट्री, ठीक है, तो फॉर्मूला बोल लो या फिर स्टोइकोमेट्री बोल लो, दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो इस एलिमेंट ए और एलिमेंट बी के कंपाउंड दैट इज सॉलिड का फॉर्मूला क्या है, AB2। अब AB2 का मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ ए एटम्स एंड बी एटम्स इज 1/2। ओके, तो कंपाउंड का फॉर्मूला AB2 का मतलब है कि ए एटम्स और बी एटम का रेशियो 1/2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर इस सॉलिड में डिफेक्ट आया है ना, और डिफेक्ट आने के बाद भी इसका फॉर्मूला AB2 ही रहा, मींस इसके स्टोइकोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आए, इसके कंपाउंड के स्टोइकोमेट्री। तो अगर किसी सॉलिड कंपाउंड के स्टोइकोमेट्री में मींस फॉर्मूले में कोई चेंजेस ना आए डिफेक्ट होने के बाद भी, तो उस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां पर सर को मीन्स स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होने पर जो एलिमेंट्स के एटम का रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, एलिमेंट्स के एटम का रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है डिफेक्ट होने के बाद भी, मीन्स फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आते, स्टोइकोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं आते, तो इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ गए, और अगर डिफेक्ट आने के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाए, लेट सपोज ये हो गया A2B3, ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया, मीन्स ए और बी का रेशियो चेंज हो गया, तो रेशियो चेंज हो गया तो फॉर्मूला भी चेंज रहेगा, मीन्स उसकी स्टोइकोमेट्री चेंज हो गई, और स्टोइकोमेट्री अगर चेंज हो गई डिफेक्ट आने के बाद, आफ्टर डिफेक्ट, तो उस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ गए आप? चलिए तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की, फिर उनको एक एक डिस्कस करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मीन्स सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच स्टोइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड कंपाउंड do not change is known as stoichiometric defect, ठीक है, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हो जाएगा, इसी तरह सपोज इट सच डिफेक्ट इन विच
स्टोइकोमेट्री ऑफ सॉलिड कंपाउंड गेट्स चेंज्ड इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट। यहां तक मैं सभी को ये होगी डेफिनेशन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट के क्या टाइप्स हैं और नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखो स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज शॉटकी डिफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट। और शॉटकी और फ्रेंकल दोनों साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने इन डिफेक्ट्स को डिस्कवर किया था। ओके तो ये हुआ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के फर्दर टाइप्स, दैट इज शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल एफिशिएंसी। समझ गए यहां पर? और फिर यहीं पर हम एक और डिस्कस करेंगे, तो वो अलग से है, दैट इज इंप्यूरिटी डिफेक्ट। ये बोल सकते हैं आप लोग थर्ड टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप और वो थर्ड टाइप, जिसको अलग से डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है यहां सभी को? चलिए इनको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट के शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। चलिए नोट कर लो इनको। नोट करिए, अब डिस्कस करते हैं अपन शॉटकी डिफेक्ट। देखो यहां पर शॉटकी नाम है साइंटिस्ट का, इनफैक्ट बोल सकते हो सरनेम बोल सकते हो, है ना। तो इस डिफेक्ट को शॉटकी डिफेक्ट कहा जाता है क्योंकि शॉटकी के नाम से दिया गया है, शॉटकी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। शॉटकी डिफेक्ट, ओके। तो देखो शॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा, आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लोकेशन इन द क्रिस्टल। तो शॉटकी इफेक्ट क्या होता है, तो शॉटकी इफेक्ट में किसी आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में से कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस मिसिंग होंगे, मींस गायब होंगे, तो उस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है शॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। यहां पर देखो
आयनिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल में से सम कैटायंस एंड सम एनायंस आर मिसिंग। ठीक है, तो इसमें आप एक बार उसको डायग्राम थ्रू समझते हैं। डायग्राम बना रहा हूं मैं, वो डायग्राम आयोनिक सॉलिड के क्रिस्टल का डायग्राम है। 1 2 3 तो जो बिगर साइज के आयन दिखेंगे वो आप होंगे नेगेटिव आयन होंगे। ओके, ये नेगेटिव आयन फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां पर कम भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने तो खूब सारे कैटायंस और एनायंस बना लिए, है ना। चलिए फिर आप लोग इस बात का खासकर ध्यान रखना कि आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल में, मीन्स क्रिस्टल लैटिस में, आफ्टर डिफेक्ट, डिफेक्ट के बाद भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉलिड है या फिर कोई भी कंपाउंड है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, चाहे उसमें डिफेक्ट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो आफ्टर डिफेक्ट सॉलिड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस बात को खास कर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के हर बार काम आएंगे, समझ गए। और जिसको इसका फंडा क्लियर होगा वो अपने आप डिफेक्ट को समझ जाएगा, है ना। चलिए तो देखो, शॉर्ट डिफेक्ट में क्या होगा, आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल लैटिस में से कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस गायब होंगे अपनी पोजीशन से। ठीक है, अब देखो कैटायंस और एनायंस की क्वांटिटी कितनी गायब होगी, तो ये डिपेंड करेगी उनके चार्जेस पे। ओके, क्योंकि हमें सॉलिड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। लेट्स सपोज कैटायन का चार्ज है +1। ठीक है, कैटायन +1 वाला चार्ज, +1 वाला कैटायन, और एनायन पे चार्ज है -1। ठीक है, तो अगर तीन कैटायन गायब हुए तो कितने एनायन को गायब होना पड़ेगा ताकि सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो बताओ, तीन कैटायन गायब होगा तो ऑब्वियस बात है तीन एनायन को ही गायब होना पड़ेगा ताकि चार्ज बैलेंस रहे, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। यहां पर तीन एनायन को मिस होना पड़ेगा। ओके, तो कहीं कहीं पर शॉर्टकट इफेक्ट में डेफिनेशन लिखी रहती है ऐसा डिफेक्ट जिस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस अपनी पोजीशन से मिसिंग होते हैं।
तो वैसा केस कब होगा, जब कैटायन और एनायन का चार्ज सेम होगा, जब सेम चार्ज के कैटायन और एनायन हो आयनिक सॉलिड के क्रिस्टल में, समझ गए। अब लेट सपोज कैटायन है प्लस टू और एनायन है माइनस वन, ठीक है। तो अगर दो कैटायन मिस हुए, दो कैटायन गायब हुए, तो कितने एनायन को गायब होना पड़ेगा, तो देखो दो कैटायन गायब होने से टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, प्लस फोर, और हमारे पास एनायन सिंगल एनायन कितने चार्ज का है, माइनस वन, तो कितना नेगेटिव चार्ज गायब होना चाहिए, चार नेगेटिव, तो इसका मतलब एनायन का कितना हो जाएगा, चार पार्टिकल हो जाएगी, तो एनायन के फोर पार्टिकल, दैट इज फोर एनायन शुड बी मिसिंग, समझ में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए सॉलिड में आफ्टर डिफेक्ट। ओके चलिए, तो फिलहाल हमने इस क्रिस्टल में कैटायन को प्लस वन और एनायन को माइनस वन चार्ज दिया है, ठीक है। और ये फिलहाल कैसा क्रिस्टल है, कैसा सॉलिड है, आइडियल सॉलिड है, इसमें कोई भी पार्टिकल मिसिंग नहीं है, है ना। बट अगर इसमें से लेट सपोज यहां से ये कैटायन गायब हो जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो किसी और पोजीशन से नेगेटिव आयन को गायब होना पड़ेगा, लेट्स सपोज हम यहां से नेगेटिव आयन गायब कर देते हैं, ये पॉजिटिव आयन की वैकेंसी क्रिएट हो गई और ये नेगेटिव आयन की वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। सिमिलरली हम और भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का सेट गायब कर सकते हैं डायग्राम में शो करने के लिए, ठीक है। जैसे एक और यहां से गायब कर देते हैं, तो ये या फिर इसको रहने देते हैं, हम कहीं से भी गायब कर सकते हैं, उसका कोई हेडेक नहीं है। लेट सपोज यहां से गायब करते हैं इसको, एक एनायन यहां से गायब हुआ और एक एनायन यहां से गायब कर दो, ठीक है। इस तरह से तो क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कि किसी भी से क्रिएट हुई है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के मिसिंग मिस होने से क्रिएट हुई है, गायब होने की वजह से क्रिएट हुई है। तो इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है शॉटकी डिफेक्ट, मीन्स किसी आयनिक सॉलिड में कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस गायब रहे अपनी पोजिशन से, तो उस टाइप का डिफेक्ट शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है, समझ गए यहां तक। चलिए इन सबको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे कि शॉटकी डिफेक्ट कौन से टाइप के क्रिस्टल्स में देखा जाता है, कौन से एग्जांपल्स है उसके। दिस डिफेक्ट इज observed in sodium chloride, potassium chloride, potassium bromide, cesium chloride, silver bromide. Okay, तो ये कुछ ionic solids के example है जिनमें Schottky effect देखा जाता है, clear हो सभी में आता है। चलिए ये आप लोगों को याद रखना है कुल मिला के, है ना। फिर देखो शॉटकी डिफेक्ट बेसिकली कैसे टाइप के आयनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व होता है, तो ये ऐसे आयनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली हाई होता है, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, दिस डिफेक्ट इज observed in ionic solid
which have high coordination नंबर। जैसे मैं डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन कितना होता है 6 होता है और सीजियम क्लोराइड कोऑर्डिनेशन कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयोडिक सॉलिड्स में शॉटकी डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ओके, फिर देखो ये डिफेक्ट ऐसे आयोडिक सॉलिड्स में होता है जिनमें कैटायंस और एनायन की साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो। ओके, तो such defect is observed in ionic solid in which difference between radius of cation and anion is less, ठीक है, that is radius ratio is high, ना? तो obvious ही बात है, अगर cation की size और anion की size में ज्यादा difference नहीं होगा तो radius ratio high होगा। means अगर cation, ये देखो radius ratio मतलब क्या होता है, anion का radius मतलब यहां पर कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस, तो कैटायन के रेडियस में एनायन के रेडियस से ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस रेशियो की वैल्यू हाई होगी। हाई का मतलब है 1 के पास। ठीक है, चलिए तो इनको भी नोट कर लेना, और ये डायग्राम है तो ये आप लोगों के सब्जेक्ट एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग चार टाइप के एटम्स बना सकते हो, 1 2 3 4 यहां तक बना सकते हो, फिर 1 2 3 4 लाइन से चार चार आइटम का एक एरो रो बना सकते हो। ठीक है, चलो इनको नोट करो फटाफट। नोट कर लिए, अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मींस शॉर्टकी डिफेक्ट के होने से सॉलिड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट, तो फर्स्ट चेंजेस आएगा डेंसिटी का, एक डिफेक्टेड क्रिस्टल दिख रहा है। अब इस डिफेक्टेड क्रिस्टल में आप लोगों को क्या दिख रहा है, कुछ कैटायंस और कुछ एनायंस अपनी पोजीशन से गायब है, इसका मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल्स गायब है और हम बोल सकते हैं मास गायब है ना, तो मास गायब हुआ तो मास कम हुआ लेकिन वॉल्यूम उतना का उतना ही मेंटेन है, तो बताओ डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम है ना। अब इस आयनिक सॉलिड का वॉल्यूम तो उतना का उतना ही मेंटेन है लेकिन आयन्स की गायब होने की वजह से मास में कमी आएगी, तो मास में कमी आएगी तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, तो ये पहला इफेक्ट पड़ता है सॉलिड पे शॉर्टकी डिफेक्ट का। ठीक है, फिर देखो सेकेंड, सेकेंड इफेक्ट पड़ता है इनकी बोल सकते हो कंडक्टिविटी पे है ना, तो हमें पता है कि आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि आयनिक सॉलिड में चार्ज पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, मींस वो मूव नहीं कर सकते है ना, लेकिन अगर यहां पे डिफेक्ट क्रिएट हो गया तो डिफेक्ट के क्रिएट होने की वजह से जो वैकेंसीज क्रिएट हुई है उन वैकेंसीज पे कैटायंस और एनायंस मूव कर सकते हैं, इस वजह से इनकी मोबिलिटी आयनिक मोबिलिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं अपन इलेक्ट्रिकल
conductivity increases slightly. क्लियर है आंसर देखो? चलिए, दो ये दो मेन इफेक्ट पड़ता है और एक और इफेक्ट पड़ता है कि स्टेबिलिटी पर, आयनिक सॉलिड की स्टेबिलिटी पर, कि यहां पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं तो होल्स के क्रिएट होने की वजह से ये जो आयन्स हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं, मीन्स गड़बड़ा सकते हैं, इनमें गड़बड़ी आ सकती है, इनकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है. ठीक है, तो थर्ड इफेक्ट पड़ता है इनकी स्टेबिलिटी पे कि स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस. यहां पे क्लियर से देखो ये कॉन्सिक्वेंसेस है शॉर्ट की डिफेक्ट के, तो इनको भी नोट कर लेना. ये हुआ कंप्लीट शॉर्ट की डिफेक्ट. तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट, इनको नोट कर लो. क्रिटिकल पोर्शन है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड, क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में यूजुअली पूछता ही है यहां से क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है. चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट फ्रेंकल डिफेक्ट. ओके, तो देखो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, इसको लिख देता हूं मैं, उसको फिर समझाता हूं. Such type of defect in which smaller ion, that is usually cations displaced from their lattice site to the interstitial empty site is known as Frenkel defect. तो देखो Frenkel defect क्या होता है कि किसी आयनिक सॉलिड में जो कैटायंस और एनायंस अपनी लोकेशन पे प्रेजेंट है, अपनी लैटिस साइट पे प्रेजेंट है, तो यूजुअली क्या होता है कि कैटायंस जो कि स्मॉल साइज के होते हैं, है ना, और हमने ये भी पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड्स में एनायंस क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में होते हैं और कैटायंस वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और वॉइड्स एक से ज्यादा टाइप के पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल सीसीपी अरेंजमेंट, तो सीसीपी अरेंजमेंट में दो टाइप के वॉइड्स होते हैं, तो एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, अब देखो लेट्स सपोज एक आयनिक सॉलिड में नेगेटिव आयन इज एनायन, क्लोज पैक अरेंजमेंट प्रेजेंट है ना, और कैटायंस लेट्स सपोज टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है, तो कैटायंस टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो एम्प्टी है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या कहलाएगी, इंटरस्टिशियल साइट कहलाएगी, मीन एम्प्टी स्पेस कहलाएगी. ठीक है, तो क्या होगा कि जो कैटायंस है वो कैटायंस अगर काफी छोटे हुए तो वो छोटे कैटायंस अपने मेन पोजीशन से शिफ्ट होकर या फिर डिस्प्लेस होकर उन इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं, मींस उन इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो उस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है फ्रेंकल डिफेक्ट. समझ गए यहां पर? तो देखो यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं, यहां पर एक
एक बना लेते हैं और दो बना लेते हैं। आप लोग जो डायग्राम बना रहे हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप कर सकते हो। ओके, ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से वेरियस यहाँ पर आप लोग को कैटायंस और एनायंस दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, छोटे आयंस मींस कैटायंस अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, मींस डिस्प्लेस हो जाते हैं और किसी इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाते हैं, है ना। जैसे खाली स्पेस है तो इस खाली स्पेस में ये कैटायन जाकर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या हुआ, यहां पर हो जाएगी वैकेंसी क्रिएट, तो यहां पर होगी वैकेंसी क्रिएट। याद रखते हैं, और यहां पर क्या आ गया, ये इंटरस्टिशियल साइट है, मीन्स एम्प्टी स्पेस, तो इस एम्प्टी स्पेस में आ गया कैटायन, क्योंकि छोटे कैटायन जो कहीं फिट हो सकते हैं छोटी जगह पर, समझ गए। तो इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसमें आयनिक सॉलिड में यूजुअली कैटायन अपनी पोजिशन से शिफ्ट होकर, डिस्प्लेस होकर इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। फिर एक और चीज अभी बताओ, आप लोगों ने शॉटकी डिफेक्ट पढ़ा था, तो शॉटकी डिफेक्ट किस टाइप का डिफेक्ट है, वो वैकेंसी डिफेक्ट है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ऑब्वियस सी बात है, शॉटकी डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट होती थी, तो वो है वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो, वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है और इंटरस्टिशियल साइट पे पार्टिकल जा रहे हैं, है ना। तो पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है और वैकेंसी भी क्रिएट कर रहे हैं, तो दोनों टाइप का डिफेक्ट है इसमें। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में आप लोगों को वैकेंसी डिफेक्ट में मिलेगा और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में मिलेगा, शियल डिफेक्ट, समझ में आता है। चलिए इसको भी नोट कर दो, फिर हम और बातें करते हैं इसके बारे में। नोट कर लिए। अब देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट मेनली कौन से आयनिक सॉलिड में देखा जाता है, उसके एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल है सिल्वर के हैलाइड्स, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। ओके, फिर एक और एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। तो इन एग्जांपल्स को आप लोगों को याद रखना है ना। फिर एक और चीज देखो कि सिल्वर ब्रोमाइड को आप लोगों ने शॉटकी डिफेक्ट में भी देखा, इट मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल डिफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है और शॉटकी डिफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मीन्स ये एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी हो सकता है और शॉटकी डिफेक्ट भी हो सकता है, क्लियर है। देखो चलिए फिर देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट मेनली कब ऑब्जर्व होता है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में हमें मिलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है, जब आयनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। ओके, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। ओके, फिर साथ ही साथ ये भी बात बता दूं आप लोगों को कि फ्रेंकल डिफेक्ट में यूजुअली कैटायन की साइज एनायन से काफी छोटी होती है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, जब कैटायन की साइज एनायन से काफी कम हो। ओके, व्हेन साइज ऑफ कैटायन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब अगर कैटायन की साइज काफी कम है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस रेशियो भी काफी कम होगा, ठीक है। तो व्हेन रेडियस रेशियो इज लो, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में
फ्रैक्टल डिफेक्ट के होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो आप लोग, जो पार्टिकल्स है मीन्स आयंस है वो अपनी पोजीशन से जस्ट डिस्प्लेस हो रहे हैं लेकिन गायब नहीं हो रहे हैं ना। गायब मीन्स कि यहां से ये गायब होकर बाहर ही निकल गया, ऐसा नहीं है, वो उसी सॉलिड में प्रेजेंट है यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पे कोई मास का लॉस नहीं हो रहा। अब कोई मास का लॉस नहीं हो रहा है तो डेंसिटी पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। तो इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी डू नॉट चेंज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी डू नॉट चेंज। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के स्कूल एग्जाम में कि शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्यों चेंज हो जाती है और फ्रैक्टल डिफेक्ट में डेंसिटी क्यों चेंज नहीं होती। समझ गया आप? चलिए इनको नोट कर लेना। फिर एक और पॉइंट है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायंस काफी पास पास आ जाते हैं और जिसकी वजह से चार्ज के पास पास आने की वजह से जो सॉलिड है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इंक्रीमेंट होता है। मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आयनिक सॉलिड का बढ़ जाता है जब उसमें फ्रैंकल डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो Due to this defect, dielectric constant of solid increases. Okay, तो dielectric constant आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो उसका कॉन्सेप्ट तो डिटेल में फिजिक्स में है ना। बस आपको ये याद रखना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट से डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में इंक्रीमेंट होता है। क्लियर हुआ है सभी को? और फिर इस डिफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है क्योंकि यहां पर भी क्या क्रिएट हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? तो ऐसे डिफेक्ट जिससे सॉलिड कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री या फिर फॉर्मूले में चेंजेस आ जाए तो उसे कहा जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, दैट इज such type of defect due to which stoichiometry or formula of the compound gets changed is known as non-stoichiometric defect. तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी डेफिनेशन भी लिख चुके हैं। ओके, फिर देखो non-stoichiometric defect के दो टाइप्स होते हैं, तो कौन से टाइप्स हैं? तो फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकेंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं और आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि हम स्पेसिफिकली आयोनिक सॉलिड में डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखनी है कि डिफेक्ट के बाद उस आयोनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, चलिए तो वो इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो। तो हम सबको पता है कि आयोनिक सॉलिड में कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो कि आयोनिक सॉलिड है जिसमें
कैटायंस क्या है, Na प्लस और एनआईएन सीएल माइनस, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का कैटायन है Na प्लस और Na क्या है, मेटल है, ठीक है। तो यूजली आयनिक सॉलिड में कैटायंस किसके होते हैं, मेटल के होते हैं, ओके। तो हम अभी फिलहाल फोकस कर रहे हैं आयनिक सॉलिड के कैटायन पे, ठीक है, मींस मेटल पे, क्योंकि यहां पर हमने नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को इन टर्म्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के फॉर्म में समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या है, इसमें मेटल एक्सेस का मतलब क्या है, ओके। तो देखो लेट सपोज एक आयोनिक सॉलिड है जिसमें ए टाइप के कैटायन है और बी टाइप के एनायन है ना, तो ए किसका होगा, मेटल का होगा, तो हम ए प्लस को क्या मान के चल रहे हैं, मेटल मान के चल रहे हैं, मींस ए एटम मेटल का है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल का कैटायन है। अब देखो इस आयनिक सॉलिड में इनिशियली मींस बिफोर डिफेक्ट, डिफेक्ट के पहले लेट सपोज टेन कैटायंस हैं और टेन एनायंस हैं, ठीक है, तो दस कैटायन और दस एनायन, कैटायन को हम ए प्लस ले रहे हैं और एनायन को बी माइनस ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, स्टोइकियोमेट्री ऑब्वियस ही बात है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो से निकालेंगे, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस, तो यहां पर 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1, तो स्टोइकियोमेट्री क्या होगी, ए बी, ठीक है। या फिर हम इसको सिंपली इसी टर्म में लें तो क्या हो जाएगा, ये ए 10 और बी 10, ठीक है, अपने लोग देखें हम ऐसा ले रहे हैं, ओके। अब देखो आफ्टर डिफेक्ट, जब उसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो क्या क्या ऑब्जर्व हुआ उसको देखना, तो ये देखा गया कि एक एनायन गायब हो गया लैटिस में से, ठीक है, इस आयनिक सॉलिड की लैटिस में से एक एनायन गायब हो गया, एक एनायन मिसिंग है और कैटायन उतने के उतने ही है, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं इसको, ठीक। तो डिफेक्ट के बाद कैटायंस कितने हैं, 10 है और एनायंस कितने हो गए, 9 हो गए। तो देखो एनायन के रिस्पेक्ट में कैटायन बढ़ गए, मीन्स कैटायन एक्सेस में हो गए, ठीक है। तो इस टाइप की डिफेक्ट को कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जब एनायन के रिस्पेक्ट में कैटायन इंक्रीज हो जाए, मीन्स कैटायन एक्सेस में हो जाए, तो उसको कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैटायन किसके होते हैं, मेटल के होते हैं, मीन्स मेटल एक्सेस हो गए, है ना, उसको बोलेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहां तक ये सभी को, और ऐसा होने पर इस कंपाउंड की स्टोइकियोमेट्री भी चेंज हो जाएगी, मेट्रिक भी चेंज हो जाएगी, कितनी रहेगी वो, तो रेशियो क्या आएगा, 10 अपॉन 9, ये हो जाएगा ए 10 बी 9। तो एक तो स्टोइकियोमेट्री भी चेंज हो गई और साथ ही साथ मेटल एक्सेस में हो गए उस आयनिक सॉलिड की लैटिस में, तो ऐसे टाइप का इफेक्ट कहा जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, एनायंस में कमी कर दी, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि कैटायन बढ़ जाए, है ना, और एनायन उतने ही रहे, तो लेट सपोज एक कैटायन और आ गया इसमें एक्स्ट्रा उसके लैटिस में, तो क्या हो जाएगा, 11, तो 11 कैटायन और एनायन उतने ही उतने ही है, 10 बी माइनस है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी कैटायन क्या हुए,
एक्सेस हो गए विद रिस्पेक्ट टू एनायन, मीन्स मेटल एक्सेस हो गए विद रिस्पेक्ट टू एनायन, तो ऐसी सिचुएशन में भी डिफेक्ट क्या जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा, और स्टोइकोमेट्री भी चेंज जाएगी, दैट इज A11 B10। समझ गया था? तो ये केस है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, इसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। होपफुली सबको क्लियर होगा, है ना? तो अब हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट के रियल एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ये तो हमने समझने के लिए देखा था। क्लियर? चलिए नोट कर लो इसको फटाफट। हो गया कैसे लिखा? अब देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट के रियल एग्जांपल्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये इनिशियल बेसिक थे, ये सबको क्लियर होना चाहिए। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का फर्स्ट पार्ट ड्यू टू एनआईएम वैकेंसी। ओके, तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनआईएम वैकेंसी, मीन्स अभी क्या होगा कि किसी आयनिक सॉलिड की लैटिस में से कुछ एनायंस गायब हो जाएंगे, मीन्स एनायंस कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कैटायंस एक्सेस में जाएंगे, मीन्स मेटल एक्सेस में जाएंगे, तो वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहलाएगा, और उसको हम बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल है कि जब सोडियम क्लोराइड को, एग्जाम्पल है ना, सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो यहां पर सोडियम क्लोराइड में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड बिकम्स येलो। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का आयनिक सॉलिड, जिसको सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करके देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये पाया गया कि सोडियम क्लोराइड का कलर कैसा हो गया, येलो कलर हो गया, मीन्स उसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, और ये डिफेक्ट कैसा लगता था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, मीन्स सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में से कुछ क्लोराइड आयंस गायब हो जाते हैं, हो सकते हो बाहर निकल जाते हैं उसके लैटिस में से। ठीक है, तो यहां पर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो लेट सपोज यहां पर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना लेते हैं, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड रखा हमने यहाँ पर, एन प्लस ये माइनस अरेंजमेंट सही है। चलो इसको सराउंड कर देते हैं, और ये सब आप लोग को सब्जेक्टिव एग्जाम में एक्सप्लेन करना होता है, तो इसके पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए आपको। ओके, कुछ भी बकवास करके नहीं आनी है एग्जाम में, प्रॉपर फुल मार्क्स चाहिए तो प्रॉपर डायग्राम भी होना चाहिए ऐसे टॉपिक्स में। ओके चलिए, तो ये हमने बना लिया सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल। अब देखो जब यहां पर इसके आसपास
सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के आसपास सोडियम वेपर होगी, तो उस सोडियम वेपर में सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। और हीट भी किया जा रहा है तो काफी ज्यादा गर्मी होगी, मीन्स उसमें काफी ज्यादा एनर्जी भी होगी, मीन्स हम हीट कर रहे हैं तो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उस हीट की वजह से इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में से क्लोराइड आयन्स, मीन्स कुछ क्लोराइड आयन्स अपनी लैटिस साइड को छोड़ के बाहर भाग जाते हैं, मीन्स डिफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज ये क्लोराइड आयन, हम सपोज कर रहे हैं कि इस ये क्लोराइड आयन डिफ्यूज होकर बाहर चला गया, क्रिस्टल के बाहर चला गया, और एक किसके पास जाना चाहता है, सोडियम के पास जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि हीट की वजह से सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम आयन बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, यहां तक दे रहे हैं। ये क्लोराइड आयन यहां से डिफ्यूज होकर किसके पास चला जाएगा, Na प्लस के पास चला जाएगा। Na प्लस के पास जाने के बाद क्या बना देगा, अपना खुद का एक NaCl यूनिट बना देगा, यहां तक क्लियर सभी को। तो इस क्रिस्टल में क्या क्रिएट होगी, एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। यहां से ये क्लोराइड आयन इसके साथ जोड़ के NaCl बना लिया और यहां पर क्रिएट होगी एनायन की वैकेंसी, क्लियर है यहां तक सभी को। तो अब मैं यहां पर इस तरीके शो कर देता हूं, ऐसा। चलिए अब देखो, यहां पर अगर एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी, मीन्स इस आयनिक सॉलिड में एनायन की कमी आ गई, एनायन की कमी आ गई मीन्स नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए। कितने पॉजिटिव चार्ज बढ़े, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, एक प्लस वन चार्ज बढ़ा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, ठीक है। तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वैकेंट स्पेस में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी डिफ्यूज होकर कहां चला जाता है, इस साइट पे चला जाता है, इस वैकेंट साइट पे चला जाता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से इस आयनिक सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, समझ गए यहां तक। अब देखो, इसमें डिफेक्ट क्रिएट हो गया क्योंकि इसमें एक क्लोराइड आयन गायब हो गया, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिलहाल तो हम एक ही क्लोराइड आयन को गायब कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बोला गया है दैट इज एफ सेंटर, ठीक है, जिसमें एफ का फुल फॉर्म है फार्गो, ठीक है। इस तरीके से एफ सेंटर को बोलते हैं फार्बन सेंटर, फार्बन सेंटर, और ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, फार्ग का मीनिंग होता है कलर, यहां तक क्लियर सभी को। तो इस टाइप के डिफेक्ट में उस आयोनिक सॉलिड में जहां पर एनायन की वैकेंसी हुई थी, उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन जाकर एट्रैक्ट हो गए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं एफ सेंटर, और एफ सेंटर में एफ का मतलब है फार्म और फार्म का मतलब है कलर, यहां तक क्लियर सभी को। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस आयनिक सॉलिड में कलर डेवलप होता है, ठीक है। जैसे आपने हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड में डिफेक्ट होने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। ये येलो कलर किसकी वजह से होता है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्सॉर्ब करके एक्साइटेड होता है, फिर वापस अपनी ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जाता है, तो कलर एमिट करता है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से ये येलो कलर सोडियम क्लोराइड में मिलता है, यहां तक क्लियर सभी को। ये था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो देखो, यहां पर क्लोराइड कम हुए तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम आयन दैट इज मेटल आयन एक्सेस हो गया, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, क्लियर है सभी को। फिर
ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड में. तो पोटेशियम क्लोराइड में जब ये होता है तो उसका कलर हो जाता है वायलेट, ठीक है. और लिथियम क्लोराइड में जब ये देखा जाता है तो उसका कलर हो जाता है पिंक. ओके, तो आप लोगों को ये कलर्स याद रखने हैं क्योंकि ये कलर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में. क्लियर हुआ सबको यहां तक? चलिए तो इसको नोट कर लो, फिर नोट कर लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है. अगर डिफेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं तो शॉटकी डिफेक्ट, फ्रंटल डिफेक्ट से आते हैं और इस टॉपिक से आते हैं, मेटल डिफेक्ट ड्यू टू एनआईएम वैकेंसी. ओके, चलिए अब देखो हम सेकेंड टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं. यहां पर मेटल एक्स डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइड या फिर इंटरस्टीशियल वैकेंट साइड. ओके, मींस अब हम डिस्कस कर रहे हैं मेटल एक्स डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, मींस कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना. तो इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड. तो देखो जिंक ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, तो इसको जब हीट किया जाता है तो हीट करने पर जिंक ऑक्साइड में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है और जिंक ऑक्साइड का कुछ पोर्शन येलो कलर का नजर आता है. ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जिंक ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का होता है उसको हीट करने पर जिंक ऑक्साइड में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है और उस डिफेक्ट की वजह से इसमें येलो कलर आता है. और ये डिफेक्ट कौन सा होता है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टीशियल वैकेंट साइड, ठीक है. तो इसमें अगर हम डायग्राम बनाए इसलिए बना सकते हैं, तो जिंक ऑक्साइड में Zn2+ और O2- के आयंस होंगे, ठीक है. एक सेकेंड को, पहले इसको पूरा कर लेते हैं. Zn2+ O2- Zn2+ O2- O2- Zn2+ फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का. आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, पता है मुझे, बहुत पढ़ाई करते हो आप लोग, मस्ती बिल्कुल करते नहीं हो, गेम बिल्कुल नहीं खेलते हो. टीवी भी नहीं देखते हो, कुछ नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई करते हो. ओके, ये लेटेस्ट हमने बना दी, ठीक है. अब इसमें कोई किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है ना फिलहाल तो. लेकिन जब जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में से कुछ पोर्शन में से ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो जाती है. तो जिंक ऑक्साइड में से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में से ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगती है, ठीक है.
ठीक है, तो यहां पर एक इक्वेशन बनेगी Zn2+ टू इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 गैस रिलीज्ड आउट, ठीक है। और ये रिएक्शन ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होती है, मैं इस तरीके से बोल सकते हो कि जब इसको कूल किया जाता है ना, ये जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करके वापस से कूल किया जाता है उसका कलर वापस गेम हो जाता है, मीन्स व्हाइट कलर वापस आ जाता है, ठीक है। ये भी फैक्ट है, देखा गया है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना। इन बातों को ध्यान रखना है ना। फिलहाल हम फॉरवर्ड एक्शन में जा रहे हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन को, जिंक ऑक्साइड को हील किया गया, हील करने पर कुछ पोर्शन में से ऑक्सीजन गैस बाहर निकली और क्या रह गया, जिंक आयन रह गया। और ये जो जिंक आयन है वो जिंक आयन डिफ्यूज होकर इस क्रिस्टल लैटिस के वैकेंट स्पेस में जाके एंट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, मीन बोल सकते हो बैठ जाते हैं जाके शांति से, ठीक है। तो जिंक आयन, ये जिंक आयन, एक्स्ट्रा जिंक आयन डिफ्यूज होकर इन इंटरस्टीशियल साइड्स में नहीं जाकर बैठ जाएगा। लेट सपोज हम इसको यहां बैठा देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा कैटायन क्रिएट हो रहा है, ये देखो Zn2+, तो ये है एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टीशियल वैकेंट साइट, समझ गया आता है। अब देखो इस एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मीन्स मेटल के एक्सेस होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी इन इंटरस्टीशियल साइट्स में जाके एंट्रैप हो जाते हैं और एफ सेंटर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें कलर डेवलप होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया शांति से, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा देते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी तरह बिहेव करेंगे, एज अ एफ सेंटर बिहेव करेंगे, समझ गए। ये था एग्जाम्पल मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टीशियल वैकेंट साइट्स। तो एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से, मींस एक्स्ट्रा मेटल की वजह से इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, क्लियर है आंसर सभी को। चलिए अब इसको भी नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। अब डिस्कस करेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो वैसे तो अभी तक हमने जितने टाइप के डिफेक्ट पढ़ लिए वही इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के डिफेक्ट पढ़ेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे आयोनिक सॉलिड के क्रिस्टल में से कुछ कैटायंस, मीन्स मेटल के आयंस मिसिंग होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से मेटल में कमी आ जाएगी, मीन्स मेटल में डेफिशिएंसी हो जाएगी, और वो डिफेक्ट कहलाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। चलिए अब देखो इस टाइप का डिफेक्ट यूजुअली कहां ऑब्जर्व होता है, इसको लिखते हैं पर दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन द कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड में पाया जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल किसमें, किसमें, आयरन ऑक्साइड में, जिसका फॉर्मूला Fe2 होता है, ठीक है, निकल ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड में, एटसेट्रा, ठीक है। तो सारे कंपाउंड्स किसके हैं,
और डी ब्लॉक मेटल्स के हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। चलिए अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं FeO का, ठीक है। तो FeO का जब कंपोजिशन या फिर फॉर्मूला एनालाइज किया जाता है एक्सपेरिमेंटली, तो ये देखा जाता है कि ये इस तरीके से पाया जाता है Fe 0.93O इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से लेकर कंपोजिशन इसका वेरी हो सकता है 0.96O तक, तो इस टाइप का कंपोजिशन है। तो इसमें देखो आप लोग अभी तो डेसिमल के फॉर्म में ही है Fe 0.93O1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe 93O100, ऐसा ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें FeO की, तो FeO का कंपोजिशन अगर ऐसा होता तो इट मींस जितने Fe हैं उतने ही O भी है, इट इज Fe1O1, ओके। और FeO से हम क्या समझते हैं कि इसमें कौन से आयन्स हैं, तो इसमें है Fe2+ और O2- आयन, ये हम समझते हैं इससे, ठीक है। तो इसमें जितने Fe2+ आयन होंगे उतने ही O2- आयन भी होने चाहिए, ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं Fe100O100। तो अगर FeO का क्रिस्टल आइडियल होता तो उसमें कंपोजिशन इस टाइप की होती, मीन्स Fe2+ के 100 आयन के रिस्पेक्ट में ऑक्साइड आयन के भी 100 आयन होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर देखो जो एक्चुअलिटी है वो क्या है, ऑक्साइड आयन तो 100 है लेकिन यहां पर Fe का कंपोजिशन कितना हो गया, Fe3 हो गया, मीन्स Fe कितना है 93, मीन्स मेटल में कमी आई है। होना कितना चाहिए था, 100 होना चाहिए, Fe के कितने एटम होने चाहिए थे, 100 एटम होने चाहिए थे, लेकिन है कितने 93, तो इसका मतलब मेटल में कमी आ गई, मीन्स मेटल डेफिशिएंसी। क्लियर है आप सभी को, चलिए फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं इसमें कि ऐसा डिफेक्ट आने के पीछे रीजन क्या है। तो वो रीजन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल बैलेंसी शो करने की, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टी टू शो वेरिएबल बैलेंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल आयरन दो मेन टाइप की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रह सकता है, दैट इज Fe2+ Fe3+, और भी पॉसिबल है, वो सब हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं इसको कि Fe की दो पॉसिबल, दो मेन पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, Fe+2 और Fe+3, ठीक है। तो इस टेंडेंसी की वजह से, इस वेरिएबल टेंडेंसी की वजह से FeO में इस टाइप का डिफेक्ट पाया जाता है, इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आपको देखना, तो यहां पर देखो Fe के पास टेंडेंसी है कि वो +2 में भी रह सकता है और +3 में रह सकता है, इन बातों को ध्यान रखना है। तो देखो अब हमें पता है कि FeO आयरन के ऑक्साइड के क्रिस्टल में कौन से आयन्स होंगे, Fe2+ आयन देखो और O2- आयन। तो यहां पे हम कुछ Fe2+ आयन बना रहे हैं और कुछ O2- आयन बना रहे हैं, कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखो दिख रहा है सभी को कि इस
क्रिस्टल लेट इसमें Fe2+ आयन है और O2- आयन है, Fe2+ O2-, O2- Fe2+ Fe2+ O2- करके से बहुत सारे है ना। तो अभी तक फिलहाल जितने Fe2+ हैं उतने ही O2- भी हैं है ना, और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं फिलहाल तो, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, FeO होना चाहिए, FeO होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, FeO93, O 0.93 और O1। ओके, तो इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस क्रिस्टल लैटिस में से कुछ Fe2+ आयन मिसिंग होते हैं, गायब रहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये Fe2+ आयन यहां से गायब है, यहां पर क्या क्रिएट होगी, वैकेंसी क्रिएट हो गई, किसकी, मेटल की। तो मेटल की वैकेंसी क्रिएट हुई मीन्स मेटल में कमी है, मेटल में कमी है मीन्स मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहां से कितना चार्ज गायब हुआ, प्लस टू चार्ज गायब हुआ, तो प्लस टू चार्ज गायब हुआ तो दो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, दो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो दो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो उसको बैलेंस कौन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए ये सॉलिड, ठीक है। तो उसको बैलेंस करते हैं आसपास के Fe2+ आयन अपनी वैलेंसी को इंक्रीज करके, मींस प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, कुछ Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम चार्ज को बैलेंस कर सकें, ठीक है। लेट्स सपोज यहां से ये वाला Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो गया, तो अभी तो फिलहाल एक ही प्लस चार्ज बढ़ा है, हमें दो प्लस चार्ज बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि दो प्लस चार्ज कम हुआ है। और लेट्स सपोज इसको बढ़ा देते हैं, रैंडमली कहीं से भी कर सकते हो आप लोग, Fe3+, ठीक है। तो देखो यहां पर Fe3+ एग्जिस्ट कर रहा है Fe2+ के साथ, ओके, और यहां पर वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है, तो यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट भी है, समझ गए यहां तक। चलिए, तो इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्लियर। अब इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि इस क्रिस्टल में मींस Fe 0.93O में O2- आयन तो है, लेकिन Fe के कौन से टाइप के आयन्स हैं, Fe2+ आयन और साथ ही साथ Fe3+ आयन्स भी प्रेजेंट है, समझ गए यहां तक। तो हमसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो ये अपना आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड की कंपोजिशन किस तरीके की है, तो इस कंपोजिशन में Fe2+ की कितनी क्वांटिटी होगी और Fe3+ की कितनी क्वांटिटी होगी, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको भी सीख लो यहां पर। तो पहले इसको नोट कर लो, ग्रोथ कर लो, यहां पर हो गया सभी का। अब देखो लेट सपोज आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है जिसमें फॉर्मूला या फिर उसकी स्टोइकोमेट्री ये इस टाइप की है, मीन्स Fe 0.93O1, Fe 0.93O1, ओके। तो हमें ये बताना है कि इस कंपाउंड में Fe2+ कितने हैं और Fe3+ कितने हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे बताएंगे उसको देखते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम इसको होल फिगर में होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो Fe 93 O 100 ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली बना सके। अब देखो इस सॉलिड में कौन से आयन्स हैं, तो एक टाइप क्या आयन है O2- आयन, ठीक है, दूसरे टाइप के आयन्स Fe2+ और तीसरे टाइप के आयन्स हैं Fe3+, ओके। तो O2 O2- आयन की क्वांटिटी कितनी है, तो O के नीचे 100, तो टोटल O कितने हैं 100, और सारे के सारे O किस में है, O2- में, ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्सीजन एटम O2- फॉर्म में है और वो कितने हैं 100 है, तो 100 O2- आयन्स हो गए, ठीक है। अब देखो Fe2+ और Fe3+ की क्वांटिटी कितनी है, तो हमें अभी डायरेक्टली पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि टोटल Fe एटम कितने हैं, 93 है,
तो टोटल Fe एटम 93 है, जिनमें से कुछ एटम Fe2+ के फॉर्म में है, कुछ एटम Fe3+ के फॉर्म में। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर हम x मानेंगे, Fe2+ की क्वांटिटी को अगर हम x मान लेते हैं, मींस नंबर ऑफ Fe2+ आयन इज x, तो नंबर ऑफ Fe3+ आयन कितने हो जाएंगे, 93 माइनस x। यहां पर सभी को चलिए, अब देखो हमें पता है कि ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, मैं सारे के सारे चार्ज मिलकर क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है, तो जितना नेगेटिव उतना टोटल पॉजिटिव, ओके। तो देखो Fe2+ की क्वांटिटी कितनी, x, तो टोटल प्लस टू चार्ज कितना हो जाएगा, तो x इंटू प्लस टू, टोटल प्लस टू चार्जेस, ठीक है, फिर प्लस टोटल प्लस के चार्ज कितना हो जाएगा, 93 माइनस x इंटू प्लस थ्री, ये हो गया प्लस थ्री रिस्पेक्ट में, है ना, तो टोटल पॉजिटिव इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव, तब जाके बैलेंस होगा, तो टोटल नेगेटिव कितना होगा, 2 इंटू 100, दैट इज 200, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने पर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, समझ गया था, तो देखो 2x प्लस 93 इंटू 3 माइनस 3x इक्वल्स टू 200, तो 2x माइनस 3x दैट इज माइनस x, 93 इंटू 3, 3 3 9, 9 फिर 9 इंटू 3 27, 279 इक्वल्स टू 200, इसको अगर ट्रांसफर करोगे तो माइनस x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 79, x कितना आ गया, 79, तो इट मींस इसमें Fe2+ आयन कितने होंगे, अगर हम इसकी कंक्लूजन ये मान के चले तो वो हो जाएगा 79, और Fe3+ आयन कितने हो जाएंगे, 93 माइनस 79, 93 माइनस 79 करो कितना आएगा, 449, समझ गए। तो अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल में 93 Fe है और Fe के एटम्स है, जिनमें से कुछ Fe2+ है कुछ Fe3+ है, और 100 एटम ऑक्सीजन के जो कि सारे के सारे O2- के फॉर्म में, ठीक है, तो उस क्रिस्टल में Fe2+ 79 होंगे और Fe3+ 14 होंगे, क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, है ना, फिर आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हो कि Fe2+ का परसेंट कितना होगा और Fe3+ का परसेंट कितना होगा, समझ गया आता, चलिए नोट कर लो इनको, फिर हम डिस्कस करेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ओके, चलिए तो इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हो गया नोट सभी का, इंप्यूरिटी डिफेक्ट, तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट मीन्स अगर किसी सॉलिड की क्रिस्टल में कोई फॉरेन एटम या फिर पार्टिकल आ जाए तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम, इंप्यूरिटी डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कुछ पोटेशियम आयन्स प्रेजेंट है, ये तो गलत बात है ना, मीन्स सोडियम क्लोराइड में क्या हो गई, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है किसकी, पोटेशियम आयन की, तो उस सिचुएशन में सोडियम क्लोराइड में जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको बोलेंगे हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है, चलिए, मीन्स जिस क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए केवल वही होने चाहिए, अगर कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में आ गए इसका मतलब उसमें इम्प्यूरिटी है, ओके, चलिए, जैसे आप लोगों ने एलॉयज देखा होगा, एलॉयज सुना होगा, तो एलॉयज में क्या करते हैं, एक मेटल में दूसरे मेटल्स को फ्यूज कराते हैं, मिक्स कराते हैं, तो मेटल में हम क्या डाल रहे हैं, इंप्यूरिटी डाल रहे हैं, ठीक है, तो एलॉयज को आप लोग इंप्यूरिटी डिफेक्ट का एग्जांपल ले सकते हो, क्लियर है आपका, बट वो तो मेटल का केस हो जाएगा, फिलहाल हम आयनिक कंपाउंड में डिफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, ओके,
तो सोडियम क्लोराइड में जब स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की बहुत ही लिटिल अमाउंट डाली जाती है तो सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्शियम आयन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, मेन हम क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करके कूल कर रहे हैं, मीन्स इनको आपस में फ्यूज करा रहे हैं। तो हमने सोडियम क्लोराइड को स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ मेल्ट कराया, फ्यूज कराया, उसके बाद ठंडा कराया। ठंडा करने में क्या होगा, सॉलिडिफाइड होगा। कौन, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड होंगे तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स में कुछ आयन्स स्ट्रॉन्शियम आयन्स भी होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर, यहां पर फिलहाल सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ये हो गया आइडियल क्रिस्टल, इसका सोडियम क्लोराइड है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। ओके, अब इसमें जब सोडियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, सॉरी स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का प्रेजेंस है, तो क्या होता है कि जब ये सॉलिडिफाइड होता है वापस, मीन्स जब हमने सोडियम क्लोराइड को स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के प्रेजेंस में मेल्ट कराया और मेल्ट कराने के बाद वापस सॉलिडिफाइड कराया कूल करके, तो जब वो सॉलिडिफाइड होगा तो सोडियम क्लोराइड में कुछ सोडियम आयन्स की जगह स्ट्रॉन्शियम आयन्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड में इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, लेट्स सपोज यहां पर इस सोडियम आयन को हम हटा रहे हैं, तो इस सोडियम आयन की जगह क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्शियम आयन आ जाएगा, इट इज Sr2+। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को, न्यूट्रलिटी को देखो, एक प्लस गायब हुआ, ठीक है, तो एक पॉजिटिव कम हुआ, लेकिन वहां पर क्या आया, Sr2+ मीन्स +2 इंक्रीज हो गया, तो एक प्लस डिक्रीज हुआ, दो प्लस इंक्रीज हुआ, तो टोटल क्या हो रहा है, टोटल इफेक्ट क्या है, +1 का इंक्रीमेंट। तो उस +1 इंक्रीमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि आसपास के कुछ सोडियम आयन्स भी गायब हो जाते हैं, ठीक है, ताकि एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए जो कि बड़ा हुआ, है ना। तो एक पॉजिटिव आयन के जाने की वजह से दो पॉजिटिव, एक सोडियम आयन के जाने की वजह से एक Sr2+ आया, जिससे एक +1 बढ़ गया, और उस एक +1 को कम करने के लिए एक सोडियम आयन आसपास से मिस हो जाएगा, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। यहां पर क्या क्रिएट हो रही है, वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो यहां पर Sr2+ की इम्प्योरिटी भी है और साथ ही साथ वैकेंसी भी है, इसमें दो टाइप के डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट भी है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी है। समझ गए यहां तक, ये था इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ओके चलिए, फिर देखो आप लोग फिजिक्स में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करोगे, ठीक है, जो यहां पर इस चैप्टर में दी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल फॉर्म में नहीं दी हुई है, और उसका डिटेल वर्जन आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे पैरामैग्नेटिक, सेकेंड डायामैग्नेटिक, जो हमने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, थर्ड पढ़ोगे फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ फेरीमैग्नेटिक एंड लास्ट एंटी फेरो
मैग्नेटिक, सॉलिड की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, है ना। देखिए सॉलिड स्टेट में दी हुई है और इनके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन होगी और एग्जाम्पल्स होगा, और अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग को एग्जाम्पल्स याद करने हैं इसके, ठीक है। चलिए फिर आप लोग जब एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आप लोगों को डिफेक्ट वाले टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो ये भी एक टोटली मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो पी टाइप और एन टाइप, ये सब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आता है। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा, जिसके अंदर इनको भी आप लोग डिटेल में पढ़ लेगा। क्लियर आएगा, तो ये पोर्शन आप लोग फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, और इनके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर हो जाएगा सभी को। चलिए तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को टेस्ट भी होगा, तो टेस्ट की फटाफट तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगा, अगर अच्छे अच्छे नंबर लाना सभी को, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। और इनकी बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेनी है अभी फिलहाल, ओके। चलिए।